हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोडिथ राइट, जोडिथ अरंडल राइट, इनके बारे में। हम जोडिथ राइट के बारे में बात करेंगे। और ये बोर्न हुई थी 31 मई 1915 के अंदर बोर्न हुई थी, और इनकी डेथ हुई थी 25 जून 2000 में इनकी डेथ हुई थी। तो आज इनकी लाइफ, उनके वर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं ये, तो इनके बारे में बात करेंगे। शी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पोइट, ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद है, एंड कंपेनर फॉर एबोरिजिनल लैंड राइट्स, और जो आदिवासी हैं उनके लैंड के राइट्स से रिलेटेड भी ये कैंपेन करती हैं, आंदोलन चलाती हैं। शी वॉज अ रिसिपिएंट ऑफ द क्रिस्टोफर ब्रेनन अवार्ड, और इनको क्रिस्टोफर ब्रेनन अवार्ड भी मिला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूजीसी नेट के लिए, तो आज इस वीडियो में पूरा हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले उनकी बायोग्राफी देख लेते हैं। जोडिथ राइट वॉज बोर्न इन आर्मीडेल, न्यू साउथ वेल्स। जोडिथ राइट आर्मीडेल न्यू साउथ वेल्स के अंदर बोर्न हुई थी। हर फादर वॉज फिलिप राइट, उनके फादर फिलिप राइट थे, एंड मदर एथिल, और उनकी मदर का नाम एथिल था। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर फॉर्मेटिव ईयर्स इन ब्रिस्बेन एंड सिडनी। उन्होंने अपने लाइफ के स्टार्टिंग ईयर्स जो है वो ब्रिस्बेन और सिडनी में बिताए थे। राइट वॉज ऑफ कॉर्निश एंसेस्ट्री, जो राइट थी वो एक कॉर्निश वंश की थी। आफ्टर द अर्ली डेथ ऑफ हर मदर, उनकी मदर की काफी जल्दी ही डेथ हो गई थी। शी लिव्ड विद हर आंट, उसके बाद वो अपनी आंट के साथ रहने लगी, एंड देन बोर्डेड एट न्यू इंग्लैंड गर्ल्स स्कूल, और उसके बाद वो न्यू इंग्लैंड गर्ल्स स्कूल चली गई। आफ्टर हर फादर्स री मैरिजेस इन 1929 में अपने फादर की री मैरिज के बाद वो न्यू इंग्लैंड गर्ल्स स्कूल चली गई। आफ्टर ग्रेजुएट करने के बाद राइट स्टडीज फिलोसफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। उसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद राइट ने स्टडी किया फिलोसफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से उन्होंने कंप्लीट किया। एट द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टार्टिंग में शी रिटर्न टू हर फादर स्टेशन, अपने फादर के पास वो वापस आ गई। टू हेल्प ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ लेबर कॉज्ड बाय द वॉर, और वार की वजह से जब लेबर की कमी हो गई थी तो अपने फादर के साथ उनके फार्म में काम करने के लिए वो वापस आ गई। राइट फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री, और जुडिथ राइट की सबसे फर्स्ट बुक थी जो पोइट्री की, द मूविंग इमेज वॉज पब्लिश्ड इन 1946। उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री है द मूविंग इमेज, जो पब्लिश हुई थी 1946 में। व्हाइल शी वॉज वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जब वो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी एज ए रिसर्च ऑफिसर के तौर पे जब वो काम कर रही थी, तो उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री द मूविंग इमेज पब्लिश हुई। देन शी हैड ऑल्सो वर्क विद क्लैम क्रिस्टीन ऑन द लिटररी मैगजीन मिनजिन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच वॉज पब्लिश्ड इन द लेट 1947। और उसके बाद फिर वो मैगजीन थी मिनजिन, उनमें काम करना शुरू कर दिया। किसके साथ? क्लीम क्रिस्टीन के साथ। इन 1950 शी मूव टू माउंट टेम्बोराइन क्वींसलैंड, उसके बाद वो 1950 के अंदर क्वींसलैंड में मूव चली गई विद द नॉवलिस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफर जैक मैककीने। उसके बाद वो क्वींसलैंड में जैक मैककीने के साथ वहां पे रहने के लिए, क्वींसलैंड में रहने के लिए चली गई। दे मैरिड इन 1962, और 1962 में जुडिथ राइट और जैक मैककीने ने
शादी कर ली, बट जैक वाज टू लिव ओनली अंटिल 1966। लेकिन जैक जो है वो 1966 तक ही जीवित रहे। इन 1966 शी पब्लिश द नेचर ऑफ लव। उसके बाद 1966 में उनका द नेचर ऑफ लव पब्लिश हुआ, हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइट भी है, राइटर भी थी और एक पॉइट भी थी। तो ये इनका शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट कलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू सन प्रेस मेलबर्न, सन प्रेस मेलबर्न में ये पब्लिश हुई। सेट मेनली इन क्वींसलैंड, और जो जो स्टोरीज थी वो उनकी सेटिंग जो है वो क्वींसलैंड की है। दे इंक्लूड, जिन जिन स्टोरीज के अंदर क्वींसलैंड की सेटिंग है वो स्टोरीज हैं द एंटीलोइन, द विनयार्ड वीमेन, 80 एकर्स, द डग ऑंग, द वीपिंग फिग एंड द नेचर ऑफ लव, ऑल फर्स्ट पब्लिश्ड इन द बुलेटिन। और वो सारी की सारी पहले द बुलेटिन में पब्लिश हो चुकी थी। राइट वॉज नॉमिनेटेड फॉर द 1967 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और राइट जो है, जुडिथ राइट जो है, नॉमिनेट हुई थी 1967 नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। विद डेविड फ्लिए, कैथलीन मैकआर्थर एंड ब्रायन क्लाउस्टन। राइट वॉज ए फाउंडिंग मेंबर फ्रॉम 1962 टू 1976, प्रेजिडेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी थी उसकी ये प्रेजिडेंट रही है 1964 से 1976 तक। इन 1991 के अंदर शी वॉज द सेकेंड ऑस्ट्रेलियन थी टू रिसीव द क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री। जिसको कि क्वींस गोल्ड मेडल पोइट्री के लिए प्राइज मिला था, ये सेकेंड ऑस्ट्रेलियन थी जिनको ये मिला था। शी वॉज इन्वॉल्व इन द पोइट्स यूनियन, और पोइट्स इन यूनियन के में ये काफी इन्वॉल्व रहती थी। राइट स्टार्टेड टू लूज हर हियरिंग इन मिड ट्वेंटीज। अपनी मिड ट्वेंटीज के अंदर उन्होंने स्टार्टिंग अपनी हियरिंग जो है उनकी लूज होनी स्टार्ट हुई, उनकी सुनने की क्षमता जो है वो कम होनी शुरू हो गई। एंड बिकेम कम्प्लीटली डिफ बाय 1992, और 1992 तक वो कम्प्लीटली जो है डीफ हो गई, उनको सुनना बंद हो गया। राइट वॉज द ऑथर ऑफ कलेक्शन ऑफ पोइट्री। राइट जो है, जुडिथ राइट की जो है बहुत ही ज्यादा फेमस थी अपने कलेक्शन ऑफ पोइट्री के लिए, इंक्लूडिंग, और उनकी पोइट्री कलेक्शंस है द मूविंग इमेज, वीमेन टू मैन, द गेट वे, द टू फायर्स, बर्ड्स, द अदर हाफ, मैगपाइज, शेडो एंड हंटिंग स्नेक। ये उनकी फेमस पोइट्री कलेक्शन है। और जो क्वेश्चन जो आया था 2023 और आई थिंक कि 2002 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि जो पोइट्री कलेक्शन था, राइटर पोइट्स थे ऑस्ट्रेलियन पोइट, अमेरिकन पोइट्स, और उनके साथ उनके वर्क को मैच करना था। और दो मुझे पोइट याद है, एक एमिली डिकिंसन थी और एक जूडिथ राइट था। तो जूडिथ राइट का जो वर्क्स था, जो पोइट्री कलेक्शन था, उसका आंसर ये जो था, ये इम्पोर्टेंट वर्क उनका जो मैच करना था वो था जूडिथ राइट के साथ वीमेन टू मेन। तो ये क्वेश्चन था। तो इसलिए उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है उनके क्वेश्चंस के अंदर। जूडिथ राइट को एज ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन उनकी स्टोरीज भी पूछी जा सकती हैं, उनका जो पोइट्री कलेक्शन है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आंसर है क्वेश्चन को लर्न करने के लिए। तो आपको ये आना चाहिए इनकी पोइट्री कलेक्शन कौन कौन थी, द मूविंग इमेज, वीमेन टू मैन, द गेटवे, द टू फायर्स, बर्ड्स, द अदर हाफ, मैगपाइज, शेडो एंड हंटिंग स्नेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है उनका। हर वर्क इज नोटेड फॉर अ कीन फोकस ऑन द ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंट। और उनके वर्क के अंदर बहुत ही ज्यादा गहराई से ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंट को दिखाया गया है। विच बिगेन टू गेन प्रोमिनेंस इन ऑस्ट्रेलिया आर्ट इन द ईयर्स फॉलोड वर्ल्ड वार सेकेंड। और उसके वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो ऑस्ट्रेलिया का है आर्ट है वो सारा उनके अंदर दिखाया गया है। शी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन सेटलर्स, और वो उसके अंदर दिखाया गया है
कि सेटलर्स के रिलेशनशिप कैसे हैं ऑस्ट्रेलियन एंड द बुश अमंग अदर थीम्स। और ये ऑस्ट्रेलियन और बुशेस ये सारी कुछ मेन थीम्स हैं उनकी पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के अंदर। राइट, एस्थेटिक सेंटर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनकाइंड एंड द एनवायरमेंट विच यू व्यू फॉर अ पोएटिक क्रिएशन। और राइट के जो जूडिथ राइट जो है वो एक एनवायरमेंट के बीच में और मैनकाइंड के बीच में एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर बेस उनकी मेन स्टोरीज रहती थी और वो शोक दिखाने की कोशिश करती थी अपनी प्रिय जो पोएटिक क्रिएशंस है उनके थ्रू मैनकाइंड और इन एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है वो दिखाने की कोशिश करती थी। हर इमेजेस कैरेक्टरिस्टिकली ड्रॉ फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन फ्लोरा एंड फोना। और उसकी जो इमेजेस होती थी वो ऑस्ट्रेलियन फ्लोरा और फोना जीव जंतु और वनस्पतियों से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। येट कंटेन आ मिस्टिक यस कंटेन आ मिथिक सब ट्रेटा दैट प्रॉप्स एट द पोएटिक प्रोसेस। और उनके अंदर कुछ ना कुछ यानी ऑस्ट्रेलियन पेड़ पौधे और वनस्पति के अंदर कुछ ना कुछ मिथिक जो है एलिमेंट्स डाल दिया जाता था ताकि वो अपना पोएटिक प्रोसेस कर पाए। लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की लिमिटेशंस थी एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द इनर एग्जिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और उसके थ्रू जो है वो अपनी जो चीजों की इनर एग्जिस्टेंस है वो प्लस बाहरी रियलिटी वो सारी चीजें दिखाना चाहती थी। राइट्स पोइम्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इटालियन जापानीज एंड रशियन। राइट की जो पोइम्स है उनको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया है इटालियन में भी जापानीज में भी और रशियन में भी। अलोंग विद ब्रेंडन कैनले शी इज मोस्ट फीचर्ड पोएट इन द ग्रीन बुक ऑफ पोएट्री। और ब्रेंडन कैनले के साथ वो जो है मोस्ट फीचर्ड पोएट है द ग्रीन बुक ऑफ पोएट्री के अंदर। और ये ग्रीन बुक ऑफ पोएट्री क्या है, अ लार्ज इको पोएट्री एंथोलॉजी। ये इको पोएट्री एंथोलॉजी है जिसके अंदर पोएट्री तो है लेकिन वो किससे रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है बाय इवो मोजले। इवो मोजले की ये इसको पब्लिश किया है बीच पास सॉरी इवो मोजले ने इसको एंथोलॉजी है ये विच वॉज पब्लिश बाय हार्पर सैन फ्रांसिस्को इन 1996। और इसको पब्लिश किया है हार्पर सैन फ्रांसिस्को ने। क्या है नाम, अर्थ पोइम्स। अर्थ पोइम्स है पोइम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू ऑनर द अर्थ, ये इस वर्क का नाम है। और इस वर्क के थ्रू इनको मोस्ट फीचर्ड पोइट कहा गया है द ग्रीन बुक ऑफ पोइट्री के अंदर। अब उनके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 1976 के अंदर उनको क्रिस्टोफर ब्रेनन अवार्ड मिला। 1991 के अंदर क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री मिला। 1994 के अंदर ह्यूमन राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन पोएट्री अवार्ड फॉर कलेक्टेड पोइम्स। इन 2009 एज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 150 सेलिब्रेशन। और ये क्वींसलैंड के अंदर एक सेलिब्रेशन हुआ था जिसके अंदर 150 ईयर्स का सेलिब्रेशन था। उसके अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो राइटर्स थे, प्लेसेस थे, इवेंट्स थे उनको ये प्राइज मिला था। तो जूडिथ राइट का नाम था आर्टिस्ट के अंदर। जूडिथ राइट यू अनाउंस्ड एज वन ऑफ द क्वेश्चन 150 आइकन्स। ये 150 जो आइकन्स थे उनके अंदर जूडिथ राइट का नाम था। ऑफ क्वींसलैंड फॉर हर रोल एज एन इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के अंदर जूडिथ राइट का नाम था। और इसके अंदर 150 ईयर्स के क्वींसलैंड के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, जो प्लेसेस थे, उनके अंदर जूडिथ राइट का नाम था और जूडिथ राइट का नाम आर्टिस्ट के अंदर था। अब उनके पोएट्री कलेक्शन की बात करते हैं। द मूविंग इमेज 1946 के अंदर पब्लिश हुई। वीमेन टू मैन 1949, विमेन टू चाइल्ड 1949, द ओल्ड प्रिजन 1949, 1953 ये सेकेंड एडिशन था द मूविंग इमेज का, द गेटवे 1953,
हंटिंग स्नेक 1964, बोरा रिंग 1946, साउथ ऑफ माय डेज 1946, द टू फायर्स 1955, ऑस्ट्रेलियन बर्ड पोइम्स 1961, बर्ड्स पोइम्स 1962, Five Senses Selected Poems 1963, Selected Poems 1963, 10 Echoes A Tribute to Those Lovely Things 1964, Sportsfield City Sunrise 1964, The Other Half 1966, The Nature of Love 1966. ये कुछ famous जो पोएट्री कलेक्शन है, फेमस पोएट्री कलेक्शन है जूडिथ राइट का, वो है। और आपको कई बार इनमें से इनको मोस्टली जो यूजीसी का पैटर्न चल रहा है उसमें मोस्टली चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछी जा रही है, तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन से पोएट्री कलेक्शन के बाद कौन सा पोएट्री कलेक्शन आया है, तो वो क्रोनोलॉजी में भी आपको याद होना चाहिए, प्लस उनकी पोएट्री कलेक्शन के नेम्स भी आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से है। कई बार फोर ऑप्शन में पूछ लिया जाएंगे और आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा एक नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, उनके अदर वर्क्स कौन कौन से रहे हैं, किंग्स ऑफ द डिंगोज 1958, ये के चिल्ड्रन फिक्शन है, द जनरेशंस ऑफ मैन 1959, रेंज द माउंटेन्स हाई 1962, द नेचर ऑफ लव 1966, द बैटल ऑफ द बायोस्फीयर, विटनेसेस ऑफ स्प्रिंग अनपब्लिश्ड पोएम ऑफ शो नेल्सन 1970, The Coral Battleground 1977, The Cry for the Dead 1981, We Call for Our Treaty 1985, Born of the Conquerors Selected Essays, Half a Lifetime 2001, Judith Wright Selected Writings 2022। ये कुछ इनके और इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। अब बात करते हैं इनके लेटर्स के बारे में। द इक्वल हार्ट एंड माइंड, लेटर्स बिटवीन जूडिथ राइट एंड जैक मैकिने, ये लेटर्स जो जूडिथ और उनके हस्बैंड के बीच में है। विद लव एंड फ्यूरी, सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ जूडिथ राइट, पोर्ट्रेट ऑफ अ फ्रेंडशिप, द लेटर्स ऑफ बारबारा ब्लैकमैन एंड जूडिथ राइट। तो ये कुछ फेमस लेटर्स हैं उनके, जूडिथ राइट के। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यूजीसी नेट के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करने के लिए, और ऑस्ट्रेलियन पॉइंट है जूडिथ राइट, तो इसको इनकी लाइफ और इनके वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।